हेलो डियर व्यूअर्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल में। व्यूअर्स, चलते हैं आज एक खूबसूरत स्थल की ओर और उस स्थल पर पड़ने वाले विहंगम दृश्यों को भी आपको दिखाते रहेंगे। चलो चलते हैं व्यूअर्स उस स्थल की ओर। और व्यूअर्स, मेरे साथ इस सफ़र में चलने के लिए तैयार हो चुके हैं मुकेश। चलते हैं व्यूअर्स उस अच्छी आकर्षक नज़ारे की तरफ। व्यूअर्स, हम पहुँचे हैं यहाँ पर बुआखाल से आगे, यहाँ पर पर्यटन नगरी खिरसू का यह मार्ग और इसी के बगल में यह पाबों वाला प्रवेश द्वार, हमें इसी रूट पे चलना है। और व्यूअर्स, इस समय पहुंच चुके हैं हम पाबों में। पाबों मार्केट थोड़ा सा ही है यहाँ से। और यहाँ पर देखो ये नयार पाबों की, देखिए कितनी अच्छी लग रही है। और ये ग्राउंड पाबों का बहुत ही बड़ा ग्राउंड, ये यहाँ पर आपको दिखाई दे रही बिल्डिंग्स। मुकेश, पाबों बाजार। ये देखिए व्यूअर्स, कल कल करता हुआ यह जल या पाबों और पैठणी के बीच में आपको दिखाया जा रहा है। बहुत ही अच्छा यहाँ आकर्षक स्थल। और व्यूअर्स, यहाँ पर हम जैसे ही जटेश्वर महादेव से आगे आते हैं तो यहाँ पर एक भव्य सा मंदिर आपको दिखाया जा रहा है। यहाँ पर एक व्यू पॉइंट पौड़ी चिपल घाट, ये देखिए डिस्टेंस में लिखी हुई है काशीपुर जाने के लिए। और यहाँ पर एक बड़ा सा साइन बोर्ड, यहाँ पर नौठा 13, भरसार 20, चौरीखाल 32 और थलीसैन 54 किलोमीटर। और ये ऊपर वाला जो रूट है ये ऊपर इधर जाता है और ये नीचे की तरफ जो मजरा महादेव वाला रूट है। व्यूअर्स, हमको इसी रूट में ऊपर नौठा भरसार की तरफ जाना है। चपलोड़ी खेती का काम करते हुए लोग। देखिए व्यूअर्स, प्रकृति के खूबसूरत नज़ारों को लुत्फ उठाइए। खिली खिली धूप में सुबह सुबह का नज़ारा। ये देखिए व्यूअर्स, कितना अच्छा यहाँ पर अभी भी जो खेती में जो है इधर है। और यहाँ पर लगाया जा रहा है हल, किस किस कुछ खेतों में लग रहा है हल और कुछ में जो है गाय चर रही है। अरे बगल में गांव, यही तो है पहाड़ की खूबसूरती। ये है नौठा, नौठा डॉक्टर भक्त दर्शन सिंह रावत स्मृति द्वार। सॉरी कहा, ये है दीवा देवी सॉरी कहा। ये देखिए व्यूअर्स, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये हिमालय है, कितना अच्छा दिख रहा है बिल्कुल। ये है हम जहाँ पर हम स्थित हैं, ये चौरीखाल है, यहाँ से बहुत ही अच्छा व्यू दिख रहा है। ये हिमालय और ये इधर क्लाउड्स, ये क्लाउड्स दिख रहे हैं और ये हिमालय की बर्फ, ज़बरदस्त। कपरौली मार्केट, ये देखिए कितना सुंदर घर। भांग प्रचुर मात्रा में, भांग के जो शौकीन हो इस गांव में आओ और भांग ले जाओ। ये है पंचायत घर कपरौली और यहाँ पर गांव में प्रसिद्ध
घंडियाल देवता जी, बोलो घंडियाल देवता जी की जय हो। निशानी ये ग्राम कपरोली में स्थित घंडियाल देवता जी का मंदिर अपने लिए याचना करें। ये देखिए यहाँ पर जो मंदिर है इसके ऊपर गणेश जी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश सब दिखाई दे रहे हैं। पानी की डिग्गी। मोड़ जी नमस्कार। पठाले काफी सुंदर घर है यहाँ पे। नमस्कार बोर्ड जी, जय माता दी। नवरात्र चलन। देखिए कितने सुंदर मकान है, पठाते देखो बहुत ही सुंदर। अच्छा ये कद्दू के तुमड़े, वाह खेती देखो यहाँ खेती। मंडवा कोदू काफी मात्रा में, प्लस भांग। अरे भांग के तो शौकीन लोग, जल्दी आए संपर्क करें इस गांव से आकर के। रस्तों पे खिले हुए फूल। ये देखो भाई मधुमक्खी मोरा शहद बनाना होगा। एक अब कोदू नहीं कटे है ना, अब ना तो घास कटना हो। देखो यहाँ बहुत ही ज़्यादा मात्रा में मरसू, यानी कि जिसको चराई कहा जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में है। इधर ऊपर जितने रेड रेड दिख रहे होंगे आपको, रेड इस कलर के सारे वही है, मरसा ही मरसा चराई। ये कहा लोग बीज तो बिजने थे, कौन सी जगह वो? अच्छा वो नीचे आलू निकाल रहे हैं, आलू खरीदना था। ऊपर है खा, ऊपर है देवी माता जी मंदिर, जय माता दी। ऊपर है खाल देव माता जी है। थोड़ा सा जरा हवा खाते हैं यहाँ पर, मैं और हमारे पथ प्रदर्शक प्रदर्शक भाई साहब, और यहाँ पे मुकेश थक चुके हैं। भाई साहब थकान तो नहीं लगी? परसों का 20 किलोमीटर का सफर याद है? एकदम कोदू निकाला लोगों ने, कोदा का कट्टा। अरे दाल भट, दाल भट, सोयाबीन। ये है सेब का बगान बगीचा। ये कपड़ों भी बोलो बोलना भाई साहब, ये जो नर्सरी से ना उन्हीं को होगा सेब का बगान। हाँ पालकुंडा छ ना, पर दूधे दूधे पुल बने जिनके सिंचू, मतलब ताकि वो हवा उड़ना, मतलब ना ना हमारे ना भी बनने नहीं हो, पर हमारे पूरे एक लंबा चौड़ पालकुंडा बनना परसों। वो हिसाब से जैसा तो डाल, वो हिसाब से लगे। अच्छा अच्छा घास हो लो। अच्छा 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 अरे किस साल से नहीं हो जी? ये साल से नहीं हो ये जो दिखे नहीं देखे। गांव की खेती के जो कटे हुए घास है कुछ इस तरह से, जो हम थो बोलना घोर इन लगन चिक। व्यूअर्स हम पिछली बार जब गए थे तो हम यहाँ से भटके थे, हम दूसरी तरफ चले गए थे बूढ़ा भरसार के जाने के लिए। जो है हम नीचे वाले ट्रैक पे हमने रास्ता पकड़ लिया था, बहुत दूर चले गए थे हम 10-12 किलोमीटर एक्स्ट्रा, जबकि हमको इधर से यह ऊपर वाला यह ट्रैक पकड़ना था, इस रास्ते में हमको जाना था। कभी भी इस रास्ते आना हो तो ध्यान रखना है ऊपर वाला यह जो रास्ता है इसमें ही हमको जाना है। ये देखा अरे यू लग रहा कह यू मतलब साझा लोगों का कि पर्सनल क्या कपड़े लोग छानी सी ये छानी छानी गोरख दिन ये साफ छानी। पर एक खासियत बताऊँ यहाँ पे, मैं कुछ स्पेशल देख रहा हूँ कि छिपड़ा बहुत छनिक, छिपकली छिपकलियों की संख्या कुछ ज़्यादा ही मात्रा में।
देखो कितनी मात्रा में है, देखो यार किसन छानी लोगों की अपड़ापड़ी बढ़ाई। धारा सूख गया, ये देखिए व्यूअर्स कितना अच्छा नजारा यहाँ से। क्या जी जल्लू? अच्छा इसके पल इधर, अच्छा गढ़ पल तरवा जल्लू गाँव बनाओ। अच्छा अच्छा ठीक है, खाली केवल जो पूरा दिखा खेती चौलाई चौलाई। अरे सुंदर लोग तो बीज दबी होना कै रुपए किलो बीजा होला कट्टा कट्टा हिसाब से कि किलो के हिसाब से कट्टा कट्टा हिसाब किलो हिसाब से चलना। क्या है हम यहाँ पर थोड़ा सा गर्मी का एहसास होने लग गया है और ठंडा पानी पी रहे चील्ड एकदम। आते हुए तो बहुत ठंड लग रही थी, जैकेट वगैरह सब पहन रखे थे लेकिन ये समय उतार दिए हैं। यहाँ पे भाई साहब पस्त हाँ तो पहुँच जाएंगे हम। ये जो ट्रैक है जहाँ हम जा रहे हैं यहाँ पर भगवान जी का एक प्रसिद्ध पौराणिक दिव्य मंदिर है जिसका नाम बूढ़ा भरसार करके है। यहाँ पर हर कोई जो है आकर के अपनी मनोकामना हेतु मन्नत मांग सकता है और पूरी भी होती है। हो सकता है आज हमारा बुलावा रहा हो इसलिए हम भी आज आ चुके हैं यहाँ पर। और हमारे साथ ये भाई लोग हमें जो रास्ता दिखा रहे हैं वहाँ का, ये घनघोर जो जंगल आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट हो रहा है अभी। ये बूढ़ा भरसार का जंगल प्रारंभ हो चुका है। और भाई साहब ये दूधातोली रेंज में आता है ना, दूधातोली रेंज में आता है ये वाला जंगल चौरी खाल। अच्छा इसमें आता है ये, तो देखो यहाँ पे बांज ज़्यादा मात्रा में है। और ये क्या चीज़ है? देवदार। अच्छा सुराई बांस देवदार के ये पेड़ बहुत ही अच्छा। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पे ग्रीनरी। कोई बात नहीं, ये देखिए सुनसान जंगल और कल कल करता हुआ यह जल। बताते रहिए व्यूअर्स आपको कैसे लग रहा है जब हम जा रहे हैं, तो पीछे का व्यूज किस तरह से लग रहा है आपको। इस वजह से हम रास्ता भी दिखा रहे हैं पीछे का, प्लस व्यूज भी ग्रीनरी कैसे दिखाई दे रही। आप लोग केदारनाथ हैं? व्यूअर्स आपको भी यदि पसंद आ रहा होगा तो आइए यहाँ बूढ़ा भरसार देवता के दर्शन करने के साथ साथ यहाँ के जो प्राकृतिक नज़ारे हैं इनका लुत्फ उठाइए। गर्मियों से बेस्ट सर्दियों का मौसम ज़्यादा अच्छा है, पर सर्दी है कि कपड़े लाने पड़ेंगे आपको जी हाँ, वरना आपकी लग जाएगी यहाँ की कुल्फी बन जाएगी। बर्फ़ ज़्यादा पड़ती है इधर। अच्छा भाई साहब तो बताओ यहाँ पे जो मेला वगैरह लगा करता है किस महीने में लगा करते हैं यहाँ? सावन के वैसा का मैंने लग दिन 12-13 तारीख आस पास। अच्छा पुजारी आप गाँव करें दिन? ठीक है ठीक है। तो मतलब आपका गाँव बड़ा कितना किलोमीटर लिख? करीब करीब 3 किलोमीटर दायरे में वन साइड। हाँ जी ठीक है। अब कहाँ का डिस्टेंस होगा भाई साहब? हम थी कथा किलोमीटर वाला हो रहा इतना, अब इतने ही होगा लगभग 1.5 किलोमीटर के करीबन। यहाँ पे प्रत्येक 6 महीने में यहाँ पे पूजा हुआ करती है। तो यहाँ पे मतलब पूजा में क्या चढ़ाया जाता है अधिकांशतः? श्रीफल वगैरह का यूज़, क्योंकि बलि पड़ता तो ख़त्म हो चुकी है। तो ये मंदिर घड़ियाल देवता के नाम से है बूढ़ा भरसार, ये कि प्रसिद्धि बहुत वाली मतलब जू बयान और मनोकामना हमेशा पूर्ण करता वाले भगवान जी। और खासियत विधि नहीं वाली कि बुलावा वाल भी है सुखनी लकड़िया साहब यहाँ से तो कोई ले जाता भी नहीं हो मुझे लग रहा है, गिरी है तो गिरी है। ये जंगल के बीच में नेचुरली सोर्स ऑफ वाटर पनेरा यही तो है प्रकृति का। ठंडा लोग
अच्छा अच्छा जब अच्छा ये 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 रोलो पान जानो ना पको ये क्या डालो भाई कितना बड़ा पेड़ है तो लुगुम जरूरत ही नहीं थी लकड़ी लुगड़ी नहीं कहलाना एकदम मत अच्छा मतलब आपका जो नेच गांव का जो पानी का स्रोत है पीने का वो इसी जगह से जाता है ये अच्छा ये रोलो होना क्यों नहीं ये रोलो ना क्या रोलो कौन अच्छा रोलो फिक्स ना नहीं पता देखो क्या सुंदर ग्रीनरी वाह रोलो बोला देख ले साहब यह पहाड़ की सुंदरता का राज चाहे आप आ जाओ कभी किसी दूसरे दिन आओ आइए और ऐसी वादियों का लुत्फ उठाइए कल कल करते हुए जल की आवाज सुनिए निर्मल जल शुद्ध व्यूअर्स पिछली बार हम इस टंकी तक पहुंचे थे लेकिन रास्ता भटकने के कारण हम ऊपर चले गए थे लेकिन हमको इसकी टंकी के सहारे सीधे आगे की ओर इधर चलना है टंकी है इधर से कहीं वो नीचे वहां से चढ़ते हुए धीरे धीरे इस तरफ ये दिख रहा बोला इसी के सहारे धीरे धीरे यहाँ पर छोटा सा रास्ता चौड़ा भी है हल्का हल्का इसी में जाना है और यहाँ एक इसकी निशानी के रूप में यदि आपको चाहिए तो यहाँ पे एक बड़ा सा एक नहीं बल्कि दो तीन बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए हैं ये देखो एक बड़ा पेड़ गिरा हुआ यहाँ पर है ठीक इसी के ऊपर एक दूसरा बड़ा बड़ा पेड़ गिरा हुआ है तीन पेड़ गिरे हैं यहाँ पे यहाँ अरे प्लास्टिक की पन्नी इनके सारे भी आप जा सकते हैं देख करके सुंदर सा मैदान गिरा हुआ पेड़ यहाँ पर है ये देखिए पूरा आधा टूटा हुआ आधा बिखेरा बिल्कुल चकना चूर हो रखा उसका ये रास्ता व्यूअर्स आपको तब दिखाई देगा जब आप कपरौली नामक गांव से महादेव के जो बूढ़ा भरसार है इनके मंदिर में जाने की प्रयास करेंगे तभी आपको यह चीज़ें दिखाई देंगी अन्य जगह से नहीं दिखाई देंगी क्योंकि इस मंदिर में आने के लिए कई जगह से रास्ते हैं आप केवल इसी को फॉलो ना करें अन्यथा आप कन्फ्यूज हो सकते हैं पर जो गिरे हुए पेड़ हैं इनकी संख्या कुछ ज़्यादा ही है जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं लगातार ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं बहुत पुराने पेड़ रहे होंगे विहंगम सुंदर आकर्षक दिव्य अनुभूति वाला यह क्षण जैसे जैसे हम बाबा जी के नज़दीक आ रहे हैं वैसे ही हमें काफ़ी शांत सा मौसम ठंडा सा फील हो रहा है यहाँ पे बाबा जी की कृपा कहें या फिर इन पेड़ों की छाँव जो भी समझ लीजिए आप कम से कम मुझे लग रहा है शायद 4-4.5 किलोमीटर का ट्रैक होगा भाई साहब ना वन साइड 4 किलोमीटर पर वो तभी है जो अगर आपको एग्जैक्ट रास्ता पता है तो अदरवाइज भटक गए कहीं पता नहीं कहाँ कितने किलोमीटर क्योंकि इधर खर्ग हुआ करते हैं जहाँ अधिकांश लोग जो हैं अपने रास्ते को भटक जाया करते हैं जो हम भी भटक चुके थे पहले इसलिए आज हम ये हमारा दूसरा टूर है दोबारा प्लान करके आए हैं यहाँ पे हम और स्थानीय भाई साहब हमें भगवान जी के पास ले जा रहे हैं उनके दर्शन करवाने के लिए देखिए व्यूअर्स यहाँ पर ये जो दिखाई दे रहा है आपको ये कुंड है ये एक थोड़ा नीचे भी दिख रहा है यहाँ पे पानी और इसके ऊपर भी जो दिखाई दे रहा है यहाँ से जो अगर कभी भी मंदिर वगैरह जाया करते हैं तो इस कुंड में यहाँ से जल ले जा करके उसका यूज़ कर सकते हैं किसी रूम में देखिए यह दिव्य कुंड तो यहाँ पर देखिए भाई साहब जो हमें स्थानीय जो भाई साहब हैं बता रहे हैं कि यह जो कुंड है यहीं से जो अगर बाई दे किसी को पानी वगैरह कुछ ले जाना हो कुछ भी ज़रूरत हो कि लास्ट ऑप्शन है आपके पास इसके बाद ऊपर आपको कहीं पानी नज़र नहीं आएगा और यहीं से आप
पानी ले जा सकते हैं मंदिर की ओर। ठीक है भाई साहब, यही है इसमें जी। थैंक यू भाई जी। यदि आपने ऐसे ट्रैक पे चलना है तो सबसे पहले आपको फिजिकली फिट होना ज़रूरी है। दूसरा, यदि भगवान का बुलावा है तो आप आसानी से चढ़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ा हार्ड वर्किंग तो है। ईजी जैसे समझ रहे हो उतना ईजी है नहीं, एकदम खड़ी चढ़ाई। इस समय लास्ट पॉइंट पे हम काफ़ी नज़दीक हैं बाबा जी के, और भक्तों व्यूअर्स हम बिल्कुल जो बूढ़ा भरसार देवता हैं उनके मंदिर के काफ़ी नज़दीक करीब पहुंच चुके हैं। इसका एक हल्का सा आपको क्लू दिखाते हैं। जैसे हम ऊपर जा रहे हैं, यहाँ पे देखो हल्का सा आपको कुछ चुनरी बंदी भी दिखाई दे रही है। ये माँ कालिंका देवी का मंदिर, या देवी सर्वभूतेषु माँ महाकालिंका देवी रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। भक्तों हम ये यहाँ पर पहुँचे हैं, यहाँ पर आपको ये चुनरी बंदी भी दिखाई दे रही है। माता जी का स्थान है माँ कालिंका देवी के रूप में, और यहाँ जो दिखाई दे रहा है ये बूढ़ा भरसार जी भगवान का जो पौराणिक प्राचीन पत्थरों द्वारा निर्मित पवित्र मंदिर है, और जो शिवलिंग है वो सीधे यहाँ ऊपर है, आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे आपको। देखिए भक्तों, ये बहुत ही प्राचीन समय का पांडवों द्वारा निर्मित यह मंदिर है ना। इन कहा जाता है कि पांडव ने ये बनाया था। तो चलो भक्तों, चलो करते हैं दर्शन मंदिर के, भगवान जी के। देखो भक्तों, ये माता जी का दिव्य स्थान, या देवी सर्वभूतेषु माँ महाकालरात्रि रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। देखो भक्तों, आप भी देखिए भगवान जी के मंदिर के साक्षात दर्शन कीजिए। हमें जो अनुभूति हो रही है उसके बारे में हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन आपको जो फील हो रहा है आप उसको बता सकते हैं। हमें तो कुछ अलग ही फीलिंग महसूस हो रही है। देखिए भक्तों, यहाँ पर घड़ियाल देवता जो बूढ़ा भरसार में है, वहाँ मंदिर परिसर में बाबा जी के साक्षात दिव्य अलौकिक दर्शन कीजिए आप। बोलो बूढ़े भरसार देवता की जय हो। इनकी जो है अलौकिक दिव्य प्रतिमाएं यहाँ पर विराजमान, और यहाँ पर देखो पिंडी स्वरूप, सब प्राचीन अवशेष हैं। बताया जाता है कि पांडवों द्वारा यह निर्मित मंदिर है। बोलो बूढ़ा भरसार देवता की जय हो। ये देखिए भक्तों, भगवान जी के दिव्य दर्शन कीजिए। यह बहुत ही कठिन यात्रा कही जा सकती है, मानी जा सकती है। हम भी यहाँ पे आए हैं भगवान जी की कृपा से, और यहाँ देखिए जो पांडवों द्वारा निर्मित यह मंदिर है, इसमें देखो जो इसके जो पुरातात्विक कलाएँ कह सकते हैं इसमें उकेरी गई हैं, बहुत ही प्राचीन अच्छी दिव्य बिल्कुल शुद्ध बिल्कुल पत्थरों से निर्मित। इसमें किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पर कोई जोड़ नहीं है, कोई मसाला वगैरह कुछ ऐड नहीं है। देखिए ये भगवान जी की जो कह सकते हैं कृपा अनुकंपा ही है, जिसकी वजह से यहाँ पर इतने बीहड़ एकदम यह जो एकदम बीहड़ से जंगलों के बीच में वीराने पर स्थित है यह जो मंदिर है। इसके तीन दरवाजे हैं, देखिए एक यहाँ पर है इस तरफ लेफ्ट साइड राइट साइड, एक लेफ्ट साइड और एक यहाँ पर, तीन प्रकार का रास्ता है। देखिए व्यूअर्स, यह जो मंदिर है भोले बाबा का, ये जो बूढ़ा भरसार करके है, यहाँ पर देखिए जो आगे आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर जो सिंह है शेर है वो जो है शांत शेर के रूप में है यहाँ पर विराजमान है, और उसी के ऊपर जो दूसरा शेर दिखाई दे रहा है थोड़ा सा ऊपर झंडे से थोड़ा सा नीचे, यहाँ पर ये जो रौद्र सिंह यानी कि जो गुस्से वाला जो शेर जिसको न्यायाधीश के रूप में बताया गया है, और ये जो नीचे जो मैंने जहाँ पे तीन दरवाजे बताया, ये जो है इसको मंगल मूर्त गणे कहा जाता है। ठीक जहाँ पे शिव जी ये जो शेर है रौद्र रूप, इसके ठीक नीचे जो है सुकनासिका करके यहाँ पर ये जो मूर्ति दिखाई दे रही है इस तरह से ये, और थोड़ा यहाँ थोड़ा पीछे की तरफ जाएंगे हम
तो पीछे की तरफ में हमारे पास ये जो गर्भगृह है जहाँ हम अंदर गए थे अभी, भगवान जी का गर्भगृह है। और यहाँ पर जो ऊपर जो मूर्ति दिखाई दे रही है जिसमें तीन सर दिखाई दे रहे हैं, ये ब्रह्मा विष्णु और महेश यानी कि त्रिमूर्ख देव के मुख हैं। और यहाँ पर ये जो शेर इस तरफ दिखाई दे रहा है, ये जल खोदता हुआ यानी कि पानी को निकालता हुआ शेर है, इस तरह से यहाँ पर विराजमान। और इन्हीं मंदिर के जो पीछे ठीक यहाँ पर गणेश जी हैं, ओम गंग गणपताय नमः, ये आपको दिखाई दे रहे हैं। इस मंदिर के बारे में बताया जाता है कि ये पांडवों द्वारा निर्मित मंदिर है। इसकी जो डिज़ाइंस देखिए व्यूअर्स, बहुत ही आकर्षक दिव्य मंदिर मच्छी यार। ये देखिए और इस मंदिर की खासियत इस तरह से देखिए, यहाँ पर जो पत्थर हैं इनके नीचे जो पैसे रखे हुए हैं लोगों के, ये देखो यहाँ पर ये पैसे देखो पत्थरों के नीचे दबा रखे हैं, मोड़ रखे हैं कुछ इस तरह से। ये हर मनोकामना पूर्ण करने है तो कुछ इस तरह से कोई परंपरा होगी शायद, हमने भी कुछ ऐसे ही किया है इस तरह से। भाई जी नमस्कार, जरा ये जो बूढ़ा भरसार जो काफ़ी प्रसिद्ध भगवान आदि, ये जो आपके आपके पास कह सकते हैं कि भोले शंकर का जो यह मंदिर यानी कि घड़ियाल देवता के रूप में है विराजमान, इसके बारे में जो पौराणिकता जो प्रसिद्धि है वो क्या है, कुछ आप जो आपके इलाके में जो जिसके बारे में माना जाता है वो थोड़ा हमको और हमारे दर्शकों को बताने का कष्ट करें जी। तो देखिए ये क्या बोलते हैं, पांडव के समय का मंदिर है, पांडव के टाइम का मंदिर है जो, और मतलब हम सभी स्थानीय लोगों का ये मंदिर है। जैसे हमारे मतलब ये कपरौली हो गया, दुलेत हो गया, डाजली हो गया जी, सभी स्थानीय लोगों का ये मंदिर है। मंदिर है और यहाँ पर जो पूजा पाठ का किस तरह से आयोजन किया जाता है और साल में कितनी बार किया जाता है? ये दो बार मतलब छः छः महीने में होता है, ठंडी का टाइम पर और ये गर्मी का टाइम पर। जी तो ये कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुख सुविधा प्रदान करने वाला और हर मनोकामना को पूर्ण करने वाला मंदिर है। हाँ जी। तो ये आप लोगों को मतलब जैसे किस तरह से रक्षा करता है, कभी पुरानी कुछ आपके जो बुजुर्ग रहे होंगे उन्होंने कुछ इसके बारे में बताया होगा, आपको कुछ जानकारी है इसके बारे में कुछ ज़्यादा? नहीं जानकारी, कोई दिक्कत नहीं। तो ये मतलब काफ़ी पौराणिक है, जब कह सकते हैं कि महाभारत काल का टाइम के है तो यानी पांडवों के द्वारा के निर्मित है, तो इसके जो जो शैली है बहुत प्राचीन है। और ये एक ऐसे स्थान पर है, यहाँ पे शायद पांडव कुछ दिन रहे थे कि एक रात रहे थे कुछ इस तरह से कुछ बताया जाता है शायद इसके बारे में। रात में इन्होंने मंदिर का निर्माण किया था, एक ही रात में इसका निर्माण किया था। और देखिए इस मंदिर परिसर के चारों तरफ का इलाका देखो कितना घना घोर जंगल है। देखिए आपको इस जगह पे आने के लिए काफ़ी कुछ पहले इसके बारे में जानकारी प्राप्त करनी पड़ेगी, क्योंकि हम भी जब पिछली बार आए थे कुछ टाइम पहले तो हम भी यहाँ रास्ता भटक चुके थे, तो इस समय हमें जो हैं जो स्थानीय भाई हैं ये खुद यहाँ पर लाए हैं क्योंकि इनको इसके बारे में काफ़ी कुछ जानकारी प्राप्त है। धन्यवाद भाई साहब। ये देखिए भक्तों, ये हमारे साथ दो भक्त मतलब तीन भक्त हम साथ हैं, और ये दिखाई दे रहा है पवित्र मंदिर बूढ़ा भरसार का। ये देखिए भक्तों, बहुत ही दिव्य अनुभूति एहसास हमें हो रहा है यहाँ पर, हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमें स्पेशली किसी ने यहाँ पे बुलाया हो, इस तरह से फीलिंग महसूस हो रही है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा बाबा जी का यह स्थल, यह जो जो मंदिर का निर्माण हो रखा है, ये केवल एक रात में ही इसका निर्माण हो रखा है, और सुबह होने से ही पहले जो है इस मंदिर का निर्माण हो गया था, लेकिन कुछ पत्थर जो हैं जैसे सुबह हुई थी तो कुछ जो है बताया जाता है स्थानीय लोगों द्वारा कि यहाँ के कुछ जो पत्थर हैं वो जंगल में अभी भी मिल जाया करते हैं। ठीक इस मंदिर के जस्ट पीछे आपको यहाँ पर गणेश जी महाराज दिखाई दे रहे हैं, और ये एक ऐसा जो मूर्ति है, देखिए आप इसको देख के लग भी रहा होगा कि ये किसी मनुष्य द्वारा निर्मित तो है नहीं, ये किसी देवी देवताओं के द्वारा ही निर्मित होगा। देखिए इसकी बिल्कुल शैली, कहीं पर कोई कटिंग नहीं, फटिंग नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल एज इट इज़। बोलो एक दंताय नमः, बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। तो यहाँ से देखो व्यूअर्स, आपको ये दिखाया जा रहा जो आगे दिख रहा है सीधे आगे वो भरसार यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी। और यहाँ पर से भाई साहब हमें बता रहे हैं जो इस तरफ दिखाई दे रहा कुछ इस तरफ, ये धुलेट गाँव है।
वहाँ से कितने किलोमीटर गए हैं? 10-15 किलोमीटर, 8-10 किलोमीटर देखते वहाँ से, ये पूरा जंगल क्रॉस करके आना है ना? भाई वहाँ से, अच्छा वहाँ से जंगल जंगल होते हुए वो है धुलेट, तो यानी सबसे नज़दीक नियरेस्ट जो आपकी यहीं पे आपका ये गांव है ना। तो देखिए व्यूअर्स, यह इस रमणीक स्थल पर यह मंदिर जो पांडवों द्वारा निर्मित किया गया। चलो भक्तों, इसके ऊपरी छोर के ऊपर चलते हैं जहाँ पर बताया जाता है कि शिवलिंग है ऊपर। और इस शिवलिंग की खासियत ये भी है कि बताया जाता है कि ये जो मंदिर था, ये मंदिर जो है पहले जहाँ पर शिवलिंग है ऊपर वहीं पर मंदिर था, लेकिन पता नहीं कुछ क्या कुछ ऐसे घटा कि मंदिर वहाँ से खिसक के यहाँ पे नीचे आ गया और शिवलिंग जो है वहीं पर रह चुका है ऊपर। वो आपके दिखा रहे हैं और हम भी जा रहे हैं वहाँ पर। तो भक्तों, वो है मंदिर, कम से कम 500 मीटर डिस्टेंस है वहाँ से और हम आए हैं ऊपर। यहाँ अभी ऊपर इतना जाना है हमने और लास्ट स्टॉप पे। तो इसके बारे में ये बताया जा रहा था पूर्व समय से कि ये जो ऊपर मंदिर है यहाँ पर, वो जहाँ पर शिवलिंग है वहाँ पर मंदिर रहा करता था। और कुछ ऐसी घटना घटी होगी कि मंदिर अपने आप ही वहाँ से खिसक करके नीचे चले गया, लेकिन शिवलिंग वहीं पर रह गया है जो अब हम जा रहे हैं आपको दिखा रहे हैं वहाँ का व्यूज के लिए। एक छोटी खाल, जब बारिश हुआ करते तो यहाँ पे भी ठहर जाता है। और पेड़ यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर प्रवेश किया है हमने बाबा जी के शिवलिंग के नज़दीक। यही वो स्थल है भक्तों, यही वो स्थान है जिसके बारे में अभी मैं बात कर रहा था। यहीं पर वो मंदिर जो नीचे दिखाई दे रहा आपको बूढ़ा बरसार का, यहाँ पर था, लेकिन पता नहीं क्या कुछ ऐसी घटना घटी जिसके कारण मंदिर यहाँ से, देखिए ठीक देखो कितने नीचे है, लगभग 500 मीटर से नीचे वहाँ खिसक के चला गया। लेकिन यहाँ पर जो आपको ये शिला टाइप की दिखाई दे रही है वो यहीं पर विराजमान है। तब तक किसी की भी मनोकामना या यात्रा पूर्ण नहीं होती जब तक आप लोग यहाँ पर ना आना बहुत ज़रूरी है। बोलो हर हर महादेव। ये जो पीछे इस तरफ दिखाई दे रहा है इस शिवलिंग के ठीक जो पीछे इस तरफ ढाई जूली करके जो प्लेस है, स्थान है, और इधर आपको भरसार वो धुलेट ये आपको अभी बताया है। और ये देखिए काफ़ी अच्छा यह स्थल, चारों तरफ देखिए इसकी काफ़ी अच्छा चबूतरा बना रखा है और ये काफ़ी घना जंगल है। यहाँ पर कभी भी आना हो तो अकेले आने की कोशिश ना करें, यहाँ पर कई प्रकार के जंगली जानवर भी रहा करते हैं, लेकिन भगवान जी की इतनी कृपा रहती है कि हमेशा वो आपकी रक्षा करते रहते हैं। यह स्थान जो है भक्तों व्यूअर्स किसी स्वर्ग से कम नहीं है और किसी पर्यटक नगरी से भी कम नहीं है। देखिए आप खुद ही देख लीजिए जिस जगह पे हम बैठे हैं और हम जहाँ पर बैठे हैं इससे नीचे का नज़ारा और प्लस ऊपर आसमान का नज़ारा देखिए। यहाँ से चोटियाँ जो हर जगह की जो है कितनी छोटी नज़र आ रही हैं। तो थोड़ा सा ये है कि थोड़ा आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, ट्रैकिंग वालों के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन आपको एक सही जो मार्गदर्शन की ज़रूरत बहुत है स्थानीय, यदि आपको गाइड मिले तो ज़्यादा बेस्ट है, अन्यथा भटकते रहेंगे आप ऐसी ही जगहों पर। और हमारे समय मार्गदर्शक यहाँ पर रिंकू भाई, जिन्होंने हमें यहाँ तक बाबा जी के दर्शन करवाए हैं, और उन्हीं की कृपा है कि जिन्होंने हमारी इस यात्रा को सफल बनाया है। क्योंकि हम पिछली बार भी यहाँ के लिए हम निकले थे लेकिन आधे रास्ते में कहीं पर हम भटक गए थे, क्योंकि यहाँ पर बताया जाता है कुछ खर्क टाइप के होते हैं कि दिशा से भटकने के जो अंदेशे या सूचनाएं मिलती हैं, तो इसी तरह से हम कहीं भटके थे, लेकिन आज हमारी इस यात्रा को पूर्ण किया है हमारे भाई रिंकू ने। धन्यवाद। यहाँ पर जो बूढ़ा बरसार का मंदिर है इसके पीछे जो शिवलिंग है, इन दोनों के बीच में जो यह स्थल है, यहाँ से देखिए नज़ारा कुछ इस प्रकार। यहाँ पर यहाँ बैठे हुए मुकेश और भाई रिंकू, देखिए इनके साथ में मैं भी शामिल हो चुका हूँ। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यह दिव्य अनुभव हो भी रहा होगा, हमें तो हो रहा है, इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें तो भगवान पे ही, उन्हीं के सहारे उन्हीं के आस पे हम चलते हैं और ऐसे ही हमें महसूस भी हो रहा है। तो आप भी ऐसी फीलिंग को प्राप्त करना चाहते हैं तो ज़रूर ऐसी जगह पर आएँ, लेकिन सकारात्मक सोच के साथ, नेगेटिव ना लाएँ, अन्यथा आपके साथ यहाँ कई प्रकार की जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन सकारात्मक सोच हो तो भगवान आपको खुद अपनी रास्ते की ओर ले आएंगे। व्यूअर्स, यहाँ से हमारे जो
स्थानीय जो भाई है इनके द्वारा हमें जो सूचना प्राप्त हो रही है कि बता रहे हैं भाई साहब कि यहाँ पर ये जो इतनी सारी पहाड़ियाँ दिख रही है तो इनमें से जो ये वाली पहाड़ी दिख रही है सबसे ऊपर ये काली वाली, ये इसकी टॉप पे यहाँ पे दीवा माता का मंदिर है जिसको दीप डांडा के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे सबसे कठिन जो ट्रैक है यहाँ पर भी भाई जा रखे हैं और उम्मीद करते हैं कभी जो भविष्य में हमें जाना होगा तो हम भाई से ही संपर्क स्थापित करेंगे, वो हमें वहाँ ले जाएंगे। बोलो भक्तों, घड़ियाल देवता की जय हो, बूढ़ा भरसार देवता की जय हो। यह है मंदिर का पिछला भाग और जब यहाँ पर कुछ आयोजन वगैरह किया जाता है, कुछ बर्तन वगैरह लाने हो, खाना बनाना हो, तो ये एक रूम यहाँ पर बनाया गया है। पानी वगैरह यहाँ पे है नहीं, व्यवस्था बनानी पड़ती है। और यहाँ पर ये जो सोलर लाइट भी यहाँ पर अवेलेबल है पैनल, और यहाँ पर एक ये नीचे भी है, यहाँ पर अभी लगी नहीं है। तो देखो भक्तों, आप इस बूढ़ा भरसार भगवान जी के मंदिर को देखिए और इस पर उकेरी गई जो आकृतियाँ हैं इसको सोचिए अपने मन में। पांडवों द्वारा एक रात में निर्मित किया गया यह मंदिर देखो कैसा है, किसी भी प्रकार का इसमें कुछ ऐड नहीं है, केवल पत्थर है, ठीक है। और सुबह होने से पहले कुछ पत्थर इन्होंने यहाँ पे और लगाने थे, वो यहाँ जंगल में ही कहीं छूट गए, तो ये केवल रात में ही इसका निर्माण किया है। पत्थरों का देखो, ये जो नीचे वाला पोर्शन है देखो कितने चौड़े चौड़े पत्थर हैं, एक ही रात में। देखो ये होता है भगवान का साथ। और ये यहाँ पे देखो क्या स्पेशल है, देखो ऐसे यहाँ पे गढ़ रखे हैं भक्तों द्वारा। देखो भक्तों, यहाँ पर माता जी का, माँ काली का जो यहाँ पर स्थान है एकदम खुला स्थान है। और यहाँ पर धूप दीप इत्यादि, माता का श्रृंगार इत्यादि चढ़ाया जाया करता है। देखिए जब आप नीचे से आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर माता का मंदिर, तत्पश्चात यहाँ पर घड़ियाल देवता का मंदिर, और उससे 500 मीटर की ऊपर डिस्टेंस में शिवलिंग विराजमान। तीनों जो है मैं एक फ्रेम में दिखाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ, ये दिख जाए। देखिए एक दो तीन, तीनों एक ही फ्रेम में। तो व्यूअर्स बताइए आपको यहाँ पर श्री बूढ़ा भरसार यानी कि घड़ियाल देवता का मंदिर आपको कैसा लगा। यदि आपको यह मंदिर प्रसन्न आए, अच्छा लगे, तो आप यहाँ पर भगवान जी के दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। इस जगह पे हमने आपको काफ़ी इसके बारे में जानकारी प्रदान कर दी इस ब्लॉग के अंदर। ये है भक्तों स्वर्ग, जो अगर आपने यहाँ आ गए तो ऐसा लग रहा है जैसे स्वर्ग है, भगवान स्वर्ग में ही रहते हैं, तो ऐसा अनुभूति यहाँ पे हो रही है। जब स्वर्ग मिल जाएगा तो कुछ करना क्या। और हम यहाँ से जा रहे हैं अपने घर की ओर, पुनः प्रस्थान कर रहे हैं वहीं पर जहाँ पर हमारी गाड़ी रोक रखी है, वहाँ पुनः जा रहे हैं। यहाँ से कम 4 किलोमीटर का ट्रैवल करना है हमने नीचे की ओर। यहाँ पर कपरौली गाँव नियरेस्ट जो इस प्लेस है, और वहाँ जो है हमें भाई ले जाएंगे। बोलो हर हर महादेव, नमः पार्वते पते, हर 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 महादेव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वन।